हेलो गाइस, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दीपावली। इस बार जो दीपावली का त्यौहार है वो थोड़ी सी मुश्किलों के साथ में ज़्यादा है, बिकॉज कोरोना ने थोड़े से चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं। बट लाइफ इज ऑल अबाउट फेसिंग दी चैलेंजेस एंड विनिंग ओवर दैम, राइट। मैंने सोचा कि दीपावली के विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में 2 मिनट आपसे बात शेयर करूं कि ये त्यौहार कोइंसिडेंटली माइथोलॉजिकल रूप से इस नवंबर या दिसंबर के महीने में या समटाइम्स अक्टूबर के महीने में क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, ज्योग्राफी के हिसाब से हमारा जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल की तरफ भी आ जाती हैं, और जब विंटर आता है तो हमारा जो मौसम है टेम्परेचर गिरने की वजह से टेम्परेट रीजन से सिमिलर हो जाता है। नाउ इस क्लाइमेटिक कंडीशन में, इस टेम्परेचर में, जब बॉडी का हम लोग बिहेवियर देखते हैं तो एनर्जी लेवल समटाइम्स इस तरीके का होता है कि हमें बहुत नींद आती है, सोने का मन करता है, रजाई में कंबल में रहने का मन करता है। हालांकि दीपावली के त्यौहार का इससे बहुत ज़्यादा ऐसा संबंध नहीं हो सकता कि जैसे कि एक MBBS का डॉक्टर होता है वो ये कहेगा कि नहीं नहीं हमें तो कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो इंजेक्शन लगाएं और हमारे को असर मिल जाए। बट होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो छोटी छोटी एनर्जी जो मिलती है हमको वो भी धीरे धीरे करके बहुत गहरा और असरदार रंग लेकर आती है। दीपावली के टाइम पर जब जो दीपों की माला हम लोग लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो बेसिकली इट इज़ स्मॉल फायर। तो जो स्मॉल फायर है वो अपने आप में एनर्जी लेके आती है, उस हीट को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, एंड वी री एनर्जाइजेज आवर सेल्फ। लेथार्जिक मूवमेंट्स जो हैं हमारे, लेजी मूवमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के, वो दूर होते हैं एंड हमें फिर कुछ एनर्जीफुल करने का मन करता है। इसी तरीके से जो फायर क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, तो वो शोर करते हैं, तो उस शोर में बेसिकली स्लमनेस, बॉडी की जो नमनेस है वो दूर होती है और हम जागते हैं, राइट। द अवेकनिंग मूवमेंट द बॉडी इज हैविंग। सो दीज टू थिंग्स आर देयर जो दीपावली के टाइम पर स्पेशली होती है। एक तो जो दीपक हैं वो जलाते हैं जिससे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिले। ये बेसिकली कुछ लोग ऐसा बोलेंगे जो एकदम से असर चाहते हैं कि सही नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ों में भी कुछ ना कुछ रीजनिंग देखते हैं उस हिसाब से मैं ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस को देख पा रहा हूँ। तो दीपक को जलाने से आपकी बॉडी को जो हीट मिलती है, एनवायरनमेंट में जो हीट आती है, बिकॉज सनलाइट कम हो जाती है इस टाइम पे, और सनलाइट को सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा हमारे घर के अंदर या हमारे चारों ओर इन दीपक को जलाने से आता है। दूसरा, जो फायर क्रैकर्स हैं उनके शोर से हम लोगों को एक अवेकनिंग फील होता है, जिससे कि हम लोगों की जो स्लम्बिंगनेस है या कहें लेथार्जिक मूवमेंट्स हैं, बॉडी के बिहेवियर्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। सो विद दिस स्मॉल इंफॉर्मेशन आई वाइंड अप दिस वीडियो एंड आई विश यू अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दीपावली। खूब सारा आप लोगों को प्यार और शुभकामनाएँ। बाय बाय।